दादा जी, बीजी। राधिका पुत्र, इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? बीजी, अब वो सब जाने दीजिए, पहले आप राधिका की बात सुन लीजिए, बात बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है भाई? दादाजी, पंचम ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी दादाजी। हरपाल मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो प्रीतपाल से मिलकर आपकी दौलत और आपकी जायदाद हड़पना चाहता है दादाजी। बीजी, सोना ये बात बहुत पहले से ही जानती थी और आज मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है। लेकिन बीजी, सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि जिन चाचा चाची को मैं अपने माँ बाप की तरह मानती थी और जिन्हें आप अपने बेटे और बहू की तरह चाहती थी, ये पूरी साजिश उन्हीं की रची है बीजी, उन्हीं की रची। बीजी, ये क्या? बीजी, मगर मैंने क्या किया है? चुप बेशर्म। नमक हराम, हमारे ही टुकड़ों पर पली है और हमारे ही घर में आग लगाती है तू। बीजी, मगर मैंने क्या किया है? वाह वाह वाह, कितनी भोली बन रही है तू। राधिका के मन में जहर भर के पूछती मैंने क्या किया। वो तो अच्छा हुआ जब ये राधिका के कान भर रही थी तो सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया। मामा जी, इसने तो अंधेरे में मुझे देखा नहीं, लेकिन मैंने इसकी असलियत साफ साफ देख ली। ये झूठ कह रहा है दादाजी। दादाजी, ये दोनों झूठ कह रहे हैं। सोना ने मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है बीजी, सोना ने मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है। इन दोनों की साजिश मैंने अपने कानों से सुनी है बीजी। सोना बेकसूर है बीजी, दादाजी सोना बेकसूर है। खामोश। आज से अगर इस लड़की ने इस घर में कदम रखा, इसकी टांगें तोड़ देना। और अगर ये राधिका से मिलने की कोशिश करे तो इसे जिंदा गाड़ देना। और तुम्हें मेरी बात कान खोल के सुनो, आज के बाद तू इस चार दीवारी के बाहर कदम नहीं रखेगी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। चल अंदर जी, मेरा ये क्या नहीं है? मेरी बात सुनिए, छोड़ दे मुंह के देख, तुम्हें निकल यहां से, निकल। बेटा, इस उम्र में ऐसी नादानियां हो जाती हैं तो इसे माफ कर देना और प्रीतपाल जी से भी कह देना कि ये माइंड ना करें। जी तो करता है और सोना की तरह आप लोगों को इस घर से धक्के मार के मैं बाहर निकाल दूं। कितनी बार मैंने आप लोगों को समझाया, जब तक शादी नहीं हो जाती हमें सावधान रहना होगा। समझ में नहीं आता आप लोगों को। माफ कर दो दीदी। अरे कितनी बार माफ कर दो? हाँ, वो तो हमारी तकदीर अच्छी है कि हर बार मेरा दिमाग चलता है और मैं बाजी पलटने में कामयाब हो जाती, वरना तो। इसीलिए तो हमने इमीडिएटली आके आपको बता दिया। और वैसे भी ये सब हमने जानबूझ के थोड़ी किया है, वो दारू के नशे में सब हो गया। पिछली बार मैंने समझाया था ना आप लोगों को, समझाया था ना मैंने आप लोगों को, जब तक शादी नहीं होती शराब नहीं पियोगे। राधिका, अरे भाई कितना टाइम है, सारे मेहमान आ गए। राधिका, दादाजी, बीजी, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ना तो आपको सच्चाई नजर आने दी जा रही है, ना आपको किसी शुभचिंतक की बात पर यकीन करने दिया जा रहा है। आपके दुश्मन आपके शुभचिंतक बने हुए हैं और जो सचमुच आपके शुभचिंतक हैं उन्हें आपका दुश्मन बना दिया गया है। पर मैं असलियत जानकर खामोश नहीं रह सकती। मेरी ये शादी अगर सिर्फ मुझे बर्बाद करती तो मैं आपकी खुशी और मान सम्मान के लिए कुर्बान हो भी जाती, पर मेरी शादी आपका भविष्य भी बर्बाद कर देगी और वो मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। राधिका, मेरी उम्मीदों पे पानी फेर कर अगर तू जहन्नुम में भी चली गई ना, तो भी मैं तुझे वहां से घसीट कर ले आऊंगी। बाऊजी, बिजी राधिका भाग गई। मामा जी अब यहाँ खड़े ही रहेंगे कि कुछ करेंगे भी? अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए हमें। कुछ करना है ना तो सोना को जाके पूछिए, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वो लड़की सोना है। सोना आप चिंता मत कीजिए, राधिका का पता चल जाएगा। सोना आती होगी, वो बता देगी राधिका कहाँ गई है। बाबूजी, बाबूजी, ये लड़की कुछ नहीं बता रही है। पूछे से बता, कहाँ है राधिका? बाबूजी, मुझे सचमुच नहीं पता कि राधिका कहाँ है। हाँ? ऐसे नहीं बताएगी। बाबूजी, आप चाहे आप मुझे कहिए, मैं किसकी भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे नहीं पता है कि राधिका कहाँ गई है। ये ऐसे नहीं मानेगी। बहू, कहाँ है राधिका? बोल। मुझे जितना भी चाहे मार लीजिए, लेकिन जिस बात के बारे में मैं जानती नहीं, मैं उस बात के बारे में कैसे बताऊं? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है सोना, लेकिन भविष्य में अगर हमें मालूम पड़ गया कि राधिका के भागने में तेरा हाथ था, तो तू तो क्या, तेरे सारे खानदान को खत्म कर देंगे। जीत, सारे शहर को छान मार। बाबूजी, शहर छानने से अच्छा उस पंचम के घर को छानिए। यकीनन वो चिड़िया उसी के घर का दाना चुगने गई होगी। रवि, रवि, खाना लग गया, आके खाना खा लो। नहीं टीना, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। टीना थैंक्स, तुम आज हमारे लिए अपने घर से खाना लेकर आई, और जिस तरीके से तुम हमारा ध्यान रख रही हो, आई रियली अप्रिशिएट इट। तुम मम्मा को खाना खिला दो। रवि, आंटी भी यही कह रही है कि उनकी इच्छा नहीं है। एटलीस्ट तुम तो चलकर खाना खा लो। टीना, तुम मम्मा को समझाओ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मीरा की कमी को इस घर में कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई भी। मम्मा। बेटा, तुमने खाना खाया? नहीं माँ। क्यों? क्यों नहीं खाया? अरे टीना ने कितने प्यार से खाना बनाया है, अगर तुम नहीं खाओगे तो उसे बुरा लगेगा। तुम भूखी रहोगी और मैं खा लूँ, क्या ये अच्छा लगेगा? मुझे भूख नहीं है बेटा। और माँ, मुझे इस घर में भूख तभी लगेगी जब तुम्हें भूख लगेगी, क्योंकि अब वो वक्त तो नहीं रहा कि जब तुम मीरा या पापा के साथ खा लोगे। चलो खाना खा लेते हैं। जाने की भी जरूरत नहीं है, खाना हाजिर है। अरे तुम खाना लेके यहीं खड़ी थी क्या? नहीं, टेबल से लेकर आ रही हूँ। मैं जानती थी बेटा माँ की भूख जगा ही देगा। चलिए चलिए, खाना खा लीजिए। आइए। टीना बेटा। अरे आप लोग, नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठे। खाना हो गया? हाँ, अभी खाया। बाय द वे, खाना बनाया किसने था? मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, सारा खाना मेरी टीना ने ही बनाया। आंटी, वैसे अच्छे खाने के लिए जो है ना, आपको क्रेडिट माँ को देना चाहिए, क्योंकि ये माँ की ट्रेनिंग का ही असर है। इसमें क्रेडिट लेने वाली क्या बात है? ये चीज़ तो हर माँ अपनी बेटी को सिखाती है ना रुक्मणी जी? हाँ राजश्री, आज अगर मेरी मीरा जिंदा होती तो मैं भी उसे जो रहीम भावी कतो होती आपुने हाथ, राम न जाते हरित संग सिए न रावण साथ। भाग्य में जो लिखा होता है आंटी, उसे ना तो हम जानते हैं और ना तो वो हमारे बस में होता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम अफसोस क्यों करें? बेटा, औलाद को खोने का गम वही समझ सकता है जिनके पास औलाद हो। उस वक्त की किताबी बातें और ज्ञान की बातें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन आंटी, इस दुख से उभरने के लिए यही बातें तो आपकी मदद करती हैं। हमारे दुख को तो आप ही लोगों ने बांटकर कम कर दिया। हाँ, स्पेशली टीना ने। उसके आते जाते रहने से मेरा मन लगा रहता है। रुक्मणी जी, मीरा की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि टीना भी आपकी बेटी जैसी ही तो है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ टीना इस घर की बहू बने। वो एक्चुअली पंचम और मैं ये पहले से जानते थे कि रवि और टीना एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे, इसीलिए हमने नहीं चाहा कि वो दोनों एक हो। लेकिन अब बात कुछ और है, तो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। रवि और टीना एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ डैड, मेरे ख्याल से अब हमें इनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। आंटी, वक्त के साथ साथ सारे नक्षत्र और तकदीर बदल जाते हैं। मेरे हिसाब से अब ये शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी मुश्किल से दोनों घर पर से किसी की बुरी नजर का असर हटा है। हमें इस खुशी को एंजॉय करना चाहिए। घर में इस तरह पुलिस लेकर घुसने का मतलब क्या है प्रधान जी? राधिका कहाँ है? राधिका? यस, इनकी कंप्लेंट है कि ये पंचम उसे लेकर भागा है। क्या राधिका घर से भाग गई? ज्यादा नाटक मत कर लड़के, साफ साफ बता राधिका कहाँ है? आप शांत रहिए प्रधान जी, मुझे अपना काम करने दीजिए। पंचम, आपको कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब, मीरा के घर से जाने के बाद और उसकी डेड बॉडी मिलने तक आप हमारे साथ थे। इनके घर पे मैं इनकी बेटी को भगाने के लिए कब और कैसे गया, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। देखिए मेरे बेटे पंचम ने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप पूछताछ के लिए से बुला सकते हैं, वो जरूर आएगा। ओके, थैंक यू। चलिए। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने कहा ना चलिए। अगर आपकी बेटी इस शहर में आएगी तो मेरी नजरों से बच नहीं पाएगी। चलिए। चलो साहब। प्रधान जी, घर में पुलिस लेकर घुसने का हिसाब किताब बराबर हो, लेकिन अगला कदम आप जो भी उठाएंगे जरा सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि उसका जवाब मैं मुंह तोड़ दूंगा आपको। चलो। पंचम।